सही तरीके से और सही टाइम में अपलोड कैसे करें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक पे आप अपने वीडियो को सही टाइम पे कैसे अपलोड करेंगे, जिसकी मदद से आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और सही टाइमिंग क्या है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी टिकटॉक यूजर है उन्हें ये नहीं पता होता है हमें वीडियो को किस टाइम अपलोड करना चाहिए और किस तरीका से अपलोड करना चाहिए। क्योंकि हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज नहीं आता है और हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो लास्ट तक देख लेना, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक वीडियो को किस टाइम अपलोड करना चाहिए और किस तरीके से अपलोड करना चाहिए। यदि आज के वीडियो आप देख लेते हैं तो आप लोगों को सेकेंड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है और किस टाइम अपलोड करना है और वीडियो में क्या हैशटैग यूज करना है, जिसकी मदद से हमारे वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सके। चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेनवर का टेन मिलता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे टिकटॉक मैंने ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को आपको मिल जाता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मेका मी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएंगे। इसके बाद सिंपल थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद एलिलाइज का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, ओवरव्यूज, कंटेन और इसके बाद फ्लोवर। तो सिंपल आपको फ्लोवर्स में क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा वीडियो जो है कितने परसेंट फीमेल देख रहे हैं और कितने परसेंट मेल देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं वीडियो हमारा जो वॉच हो रहे हैं 90% के आसपास जो है से मेल हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह से ये भी पता लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है इंडिया में 98% देखा जा रहा है। तो इस तरह से आप ये भी पता लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोवर एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ आप यहाँ से पता लगा सकते हैं आपके वीडियो पे किस टाइम ज़्यादा व्यूज आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 AM हो गए, 7 AM से लेकर हमारा वीडियो जो है 10 PM के आसपास वॉच होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा व्यूज आते रहते हैं। तो आप यहाँ पे बेस्ट टाइम की बात किया जाए तो आप यहाँ पे मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इवनिंग में भी 7 से 8 बजे तक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यदि इस टाइम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। लेकिन आपको अपने हिसाब से अपने टिकटॉक अकाउंट ओपन करना है, वहाँ से चेक करना है आपको वीडियो किस टाइम अपलोड करना है। यदि आपका टिकटॉक अकाउंट न्यू है तो आप मॉर्निंग में 8 बजे और शाम को 6 से 7 बजे के आसपास आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लग जाता है हमें वीडियो को किस टाइम अपलोड करना चाहिए। इसके बाद हम इसे बैक करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ वीडियो को कैसे अपलोड करना है। तो इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या करना है, यदि आप किसी वीडियो के साउंड पे आपने वीडियो शूट कर रखे हैं, जैसे कि आपने कोई वीडियो देखे हमें पसंद आ जाता है कि ये वीडियो सही है तो इस सेम वीडियो बना लेते हैं। तो आपको करना क्या, सिंपल वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद आपको क्या होगा, जब आप वीडियो ओपन करेंगे तो आप सिंपल लाइक पर आएंगे तो आपने जो वीडियो लाइक करके रखेंगे ये आपका शो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूज दिस साउंड पे क्लिक करना है। यूज दिस साउंड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। यदि आपका 15 सेकेंड के आसपास वीडियो है तो 15 सेकेंड को सेलेक्ट कर लेना है। यदि 15 सेकेंड से ज़्यादा के वीडियो है तो यहाँ पे 60 सेकेंड तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो जो है 13 से 14 सेकेंड के आसपास है तो 15 सेकेंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपल अपलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आपको वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वॉल्यूम पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना क्या आपको, जो आपका जो वीडियो है उस वीडियो का साउंड जो आपने एडिट कर रखे हैं तो इस साउंड को आपको सिंपल 0 कर देना है और टिकटॉक साउंड को आपको इस तरह से फुल कर देना है। इसके बाद ओके करते हैं। इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 4 से 5 हैशटैग यूज करना है। तो हैशटैग पे क्लिक करने हैं, यदि कोई ट्रेंडिंग में हैशटैग चल रहा है तो ट्रेंडिंग हैशटैग भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट हैशटैग आपको यूज कर लेना है टिकटॉक इंडिया। सेकेंड हैशटैग की बात किया जाए तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर यू। थर्ड नंबर पर यूज कर सकते हैं
फॉर यू पेज फोर्थ नंबर पे आपको यूज कर लेना है वायरल। इसके बाद आप 5 नंबर पे हैश टैग यूज करना है जो सॉन्ग होगा, जो ऐसे कि आप 1 से 2 बार सॉन्ग को आपको प्ले कर देख लेना हमारे किस सॉन्ग पे मैंने वीडियो एडिट किया हूँ। तो यहाँ पे सॉन्ग को टाइटल स्टार्टिंग का सॉन्ग जो आपने सुने होंगे वो सॉन्ग आपको लिख लेना है। तो जैसे तो मैंने जैसे सिंपल मैं यहाँ पे हैश टैग यूज कर लिया हूँ। तो इस तरह से आप 4 से 5 हैश टैग यूज कर लेना है। यूज करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से पोस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा वीडियो मैंने पोस्ट पर क्लिक कर चुका हूँ, हमारा वीडियो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से वीडियो को आपको अपलोड करना है और किस टाइम अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट।